किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी से। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच में गेहूं से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देने के लिए इस वीडियो को आप लोगों के बीच में ला रहा हूं। किसान भाइयों, गेहूं की प्रमुख बीमारियां एवं को नियंत्रण कैसे किया जाए उसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किसान भाइयों, गेहूँ में प्रमुख रूप से कंडुआ जो रस्ट रोग होता है वो प्रमुख है। कंडुआ रोग 3 प्रकार का होता है, पीला कंडुआ, भूरा कंडुआ और काला कंडुआ। किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करें इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप पीला कंडुआ की जानकारी आप पहचानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बता दूं, यह रोग पक्सीनिया स्ट्रिफोर्मियस नामक फफूंद से होता है। यह फफूंद नारंगी पीले रंग के बीजाणु के द्वारा ग्रसित खेत से स्वस्थ खेत को प्रभावित करता है। यह पत्तों की नसों की लंबाई के साथ पट्टियों में विकसित होकर छोटे छोटे बारीक धब्बे विकसित कर देता है। धीरे धीरे पत्तियों की दोनों सतह पर फैल जाता है। अनुकूल परिस्थितियां, यह रोग अधिक ठंड और आर्द्र जलवायु लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फैलता है। इस पर बने हुए पाउडरी धब्बे 10 से 14 दिनों में फूट जाते हैं और विभिन्न माध्यमों से जैसे हवा, बरसात और सिंचाई के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। इससे लगभग गेहूं की फसल में 25% हानि होती है। दूसरा प्रमुख जो रस्ट होता है, कंडुआ रोग है, वह है भूरा कंडुआ। किसान भाइयों, यह रोग पक्सीनिया ट्रिटिसिनिया नामक फफूंद से होता है। यह फफूंद पत्तियों के ऊपरी सतह से शुरू होता है, तनों पर लाल नारंगी रंग के धब्बे बनाता है। यह धब्बे 1.5 mm से के अंडाकार आकृति के होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां, यह रोग 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान से पर फैलता है। इसके बीजाणु विभिन्न माध्यमों से जैसे हवा, बरसात और सिंचाई के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। इसके लक्षण 10 से 14 दिनों में दिखने लग जाते हैं। तीसरा कंडुआ, जो भी बहुत फसलों को नुकसान करता है, गेहूं की फसल को मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, यह रोग काला कंडुआ रश के नाम से जाना जाता है। यह रोग पक्सीनिया ग्रेविनिस नामक फफूंद से होता है। यह रोग बाजरे की फसल पर भी बहुत क्षति पहुंचाता है। यह फफूंद पौधों की पत्तियों और तनों पर लंबे अंडाकार आकृति में लाल भूरे रंग के धब्बे बनाता है। कुछ दिनों बाद यह धब्बे फट जाते हैं और इनमें से पाउडरी तत्व निकलता है जो कि विभिन्न माध्यमों जैसे सिंचाई, बरसात और हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है और अन्य फसलों की क्षति पहुंचाता है। अनुकूल परिस्थितियां, काला कंडुआ अन्य कंडुआ की तुलना में अधिक तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर फैलता है। बीजों को नमी, ओस, बारिश या सिंचाई की आवश्यकता होती है और फसल को संक्रमित करने के लिए 6 घंटे तक लगते हैं और संक्रमण के 10 से 20 दिन के बाद धब्बे देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, ये रही रोग से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए अब हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। कंडुआ रोग के नियंत्रण के लिए फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करें। बीज या उर्वरक उपचार बुआई के 4 सप्ताह तक कंडुआ को नियंत्रण कर सकता है और उसके बाद इसे दबा सकता है। एक ही सक्रिय घटक वाले कवकनाशी का बार बार उपयोग नहीं करें। किसान भाइयों, अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लायर तकनीक की बात करूँ, अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लायर से बीज शोधन कैसे किया जाए, मल्टीप्लायर 1 क्विंटल गेहूं के बीज में 0.5 किलो मल्टीप्लायर लगता है, उसको ट्राइकोडर्मा के साथ में बीज शोधन कर लें, छाया में सुखा लें, उसके बाद बुआई करें तो रोग नहीं आता है। इसके बाद भी अगर रोग आ रहा है तो आप मल्टीप्लायर तकनीक में मल्टीप्लायर 15 ग्राम और क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, 15 लीटर पानी के साथ में बुआई के 15वें दिन से 10 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार स्प्रे करें। यह रोग पूर्ण रूप से नहीं आएगा और आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और उत्पादन में भी वृद्धि करेगी। अगर आप समस्या बहुत ज़्यादा है
और ये रोगन लग चुका है और मल्टीप्लायर की जानकारी आपको बाद मिलती है, तब किसान भाइयों आप मल्टीप्लायर 150 ग्राम स्प्रे प्लस 30 मिलीलीटर कासुमागामिसिन 5% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP 320 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, या मल्टीप्लायर 150 ग्राम स्प्रे प्लस 30 मिलीलीटर प्रिपिकोनाजोल नाजोल 25% EC 240 ग्राम प्रति एकड़ से स्प्रे करें। इस तरह से किसान भाइयों आप स्प्रे करके अपनी फसल को इन तीनों रोगों से, जो पीला कड़ुआ है, भूरा कड़ुआ है और काला कड़ुआ है, रस्ट है, इन तीनों विशेष जो रोग लगते हैं फसलों गेहूं फसल में, आप इनसे अपनी फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों मल्टीप्लायर एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी फसल को पूर्ण रूप से स्वस्थ ही नहीं, उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि पाने के लिए उसे सक्षम बना सकते हैं और फसल को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। आप अपनी फसल को ताकत बनवा सकते हैं। अगर पानी की बार जैसे ज़्यादा हो गया है खेत में तो भी उस अवस्था में मल्टीप्लायर तकनीक की मदद से आप उत्पादन में कमी नहीं लेंगे, आप कमी बढ़ा कर ले सकते हैं। और अगर पानी की कमी है खेत में, अगर आपने मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया हुआ है पहले से अपने खेत में गेहूं की फसल में, तब भी आपके उत्पादन में कोई विशेष कमी नहीं आती है। मल्टीप्लायर तापमान के जब तापमान में अधिक वृद्धि होती है या अधिक बढ़ोतरी होती है, उस अवस्था में भी आपकी गेहूं की फसल को बहुत अच्छे से मेंटेन रखेगी और उत्पादन आपको बढ़ा के देगी। किसान भाइयों मल्टीप्लायर एक ऐसी तकनीक है जो पर्यावरण के अनुसार अनुकूल काम करती है आपकी फसल में, जिसकी वजह से आपकी फसल का उत्पादन स्वतः ही बढ़कर मिलता है। और फसल में जब उत्पादन बढ़कर मिलता है तो वही किसानों का लाभ होता है और आपके दूसरे खर्चे कम हो जाते हैं। किसान भाइयों अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक जमीन से उपयोग कर रहे हैं तो आपके उत्पादन में कम से कम पहली बार में 30-50% उत्पादन बढ़कर मिलने की आशा रहती है और साथ ही साथ आपके दूसरे खर्चे भी कम हो जाते हैं। और किसान भाइयों अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का जमीन से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आने वाले कुछ सालों में आप DAP का खर्च आधा कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आधे खर्च से कम करते करते पूर्ण रूप से आप DAP खर्च खत्म कर सकते हैं। इस तरह से आप DAP खर्चा कम कर दें, फिर धीरे धीरे आप दूसरी चीज़ों का जैसे यूरिया है या दूसरे जो आप उर्वरक उपयोग कर रहे हैं उनको भी धीरे धीरे करके उनको कम करें। इस तरह से आपकी खेती धीरे धीरे उर्वरक होती जाएगी, उसकी उर्वरता बढ़ती जाएगी और वो जैविक खेती की ओर बढ़ेगी। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में शेयर करें। इसी के साथ मैं हिमांशु मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ, फिर नए वीडियो साथ आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।